हेलो गाइज मैं आप लोगों के लिए मेटल और नॉन मेटल चैप्टर लेकर आया हूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर हमारी चर्चा होगी द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन है इसमें तो आपका आंसर हो जाएगा पोटासियम और सबसे कम लेस रिएक्टिव मेटल पूछा जाएगा तो आंसर आपका होगा गोल्ड द लिक्विड मेटल एट द रूम टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर पे वैसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मरकरी अगर नॉन मेटल पूछा जाएगा लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रोमीन नॉन मेटल आर जनरली लिक्विड जनरली गैसेस जनरली सॉलिड एंड गैसेस जनरली गैसेस एंड लिक्विड तो नॉन मेटल है जो जनरली सॉलिड होता है और गैस होता है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। द मेटल बिच इज़ स्टोर इन क्रोसिन ऐसा मेटल जो किरोसिन में जिसको डुबा के रखा जाता है वो कौन सा है तो वो आपका है इसमें फास्फोरस फास्फोरस गलत आंसर है इसका आंसर होगा आपका सोडियम सोडियम को किरोसिन में डुबा रखा जाता है फिर से वही क्वेश्चन आया है पाँच नंबर द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर पे ऐसा नॉन मेटल कौन सा है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो आपको पहले भी मैंने आंसर बताया था इसका आंसर होगा ब्रोमीन अगर आपसे इसमें पूछा जाएगा कि चमकीला अधातु कौन है साइनिंग नन मेटल तो आपका आयोडीन आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर मटेरियल अराउंड अस कैन बी क्लाइसिफाइड इन टू ऑप्शन ए एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑप्शन बी मेटल एंड नॉन मेटल ऑप्शन सी एसिड एंड बेस ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज अगर आपका चैप्टर रिलेटेड है मेटल एंड नॉन मेटल से तो इसका आंसर हो जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल अगला क्वेश्चन है ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मतलब कि सारा मेटल सॉलिड होता है किसी एक के अलावा तो वो है आपका मरकरी बाकी जितना मेटल होता है सब सॉलिड होता है एक मरकरी ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है अगला क्वेश्चन है एट नंबर मेटल ऑक्साइड आर ऑफ नेचर ऑप्शन ए एसिडिक ऑप्शन बी बेसिक ऑप्शन सी न्यूट्रल ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है अगला क्वेश्चन है नाइन नंबर द मेटल विच कैन बी कट विथ ए नाइफ वैसा मेटल जिसको चाकू से काट सकते हैं कौन सा है सोडियम और पोटाशियम बेरियम एंड कैल्शियम सोडियम एंड मरकरी पोटेशियम एंड कैल्शियम तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम ऐसा मेटल है जिसको हम लोग चाकू की मदद मतलब से काट सकते हैं क्योंकि ये सबसे मुलायम धातु होती है अगला क्वेश्चन है टेन नंबर वे मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन जब नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस फॉर्म हाइड्रोजन गैस बनेगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा ऑप्शन सी नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर मतलब नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है इसका ना ना तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज न तो हाइड्रोजन गैस बनता है न कार्बन बनता है लेकिन नॉन मेटल वाटर के साथ कुछ कुछ नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है थैंक यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर